एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फिट ट्रैक। आप सभी दोस्तों का गो फिट ट्रैक चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हेडलाइंस, चाइकोवियो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले रोहित शर्मा की दो टूट। एशिया कप यूएई में 27 अगस्त से शुरू होगा। एशिया कप टूर्नामेंट भारत वर्सेज पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा 28 अगस्त को मैच। पर एशिया कप का 2022 श्रीलंका की मेजबानी में यूएई में 27 अगस्त से 11 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया को एशिया कप में अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला 28 अगस्त को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली यह मुकाबला 28 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई मैच में पाकिस्तान ने भारतीय क्रिकेट टीम को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। तो देखना होगा कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम काउंटर अटैक करती है रोहित शर्मा की कप्तानी में। अपने इस एशिया कप के पहले मैचों में रोहित शर्मा ने बाबर आजम के दिए हुए बयानों पर दो टूक कहते हुए कहा कि रोहित शर्मा का ऐसा मानना है कि आगे वाली टीम कोई भी हो, हम कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारा काम होता है बेहतर परफॉर्मेंस देना और टीम को जीत दिलवानी। तो बाबर आजम ने, दोस्तों मैं आपको बता दूं जो बाबर आजम ने क्या कहे थे। बाबर आजम ने यह कहे थे कि हमारे टीम का सिलेक्शन सभी 11 खिलाड़ियों को बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है और हमारी टीम्स इंडियन क्रिकेट टीम्स के से काफी बेहतर है और हमारी टीम्स बेहतर परफॉर्मेंस पिछले बार भी करी थी और इस बार भी करी है। मगर पाकिस्तान बार बार ये बात भूल जाते हैं कि लगातार हार का सामना करते करते एक बार अगर जीत मिल जाए तो उसे हम उत्सुकता पूर्वक मनाते हैं, वो अच्छी बात है, मगर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जानी चाहिए। मगर वो भारतीय टीम है, वो पाकिस्तान को जाननी चाहिए कि कभी भी काउंटर अटैक कर सकती है और ऐसी कि फिर 10-12 साल तक के लिए सदमे में जाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों काफी बेहतरीन मैच होने वाले हैं 28 अगस्त को भारत वर्सेज पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। दोस्तों आपको अगर हमारे कमेंट्स बेहतर लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।